हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व होता है। नवरात्रि में माँ आदिशक्ति के 9 अलग अलग रूपों का पूजन किया जाता है। नवरात्रि का 5वां दिन माँ स्कंद माता को समर्पित होता है। लोकल 18 से बात करते हुए पंडित पंकज त्रिपाठी ने बताया कि स्कंद माता के पूजन से निःसंतान दंपति को संतान की प्राप्ति होती है। स्कंद माता अपने भक्तों को आरोग्यता प्रदान करती है, उनके कष्टों से मुक्ति कर लौकिक सुख समृद्धि प्रदान करती है। भगवान कार्तिकेय यानी स्कंद की माता होने के कारण इन्हें स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। स्कंद माता का स्वरूप अलौकिक है। माँ की 4 भुजाएं हैं। माँ ने अपनी ऊपर वाली दाई भुजा में बाल कार्तिकेय को गोद में उठाए हुए हैं और नीचे वाली दाई भुजा में कमल पुष्प लिए हुए हैं। ऊपरी वाली बाई भुजा से इन्होंने जगत तारण वरद मुद्रा बना रखी है। वह नीचे वाली बाई भुजा में कमल पुष्प है। माँ को कमल का आसन अत्यंत प्रिय है, इसीलिए कमल पर विराजमान है। इन्हें पद्मासन देवी भी कहा जाता है। इनका वाहन शेर है। तो आइए पंडित पंकज त्रिपाठी से ही जानते हैं स्कंद माता का पूजन महत्व और विधि। सभी भक्तों को मेरा नमस्कार। मैं आचार्य पंकज सांवरिया। आप सब जानते हैं इस समय चैत्र नवरात्रि चल रही है। नवरात्रि में हम सब 9 देवियों की पूजा करते हैं। इन 9 देवियों में 5वां जो दिन है वो माँ स्कंद माता को समर्पित होता है। माँ स्कंद माता का नाम स्कंद इसलिए स्कंद नाम है, सदानंद कार्तिकेय भगवान का। ये माँ कार्तिकेय जी की माँ है। इनके गोद पर हमेशा कार्तिकेय जी विराजमान होते हैं, इसीलिए इन्हें स्कंद माता कहा जाता है। ये माँ संतान प्रदान करने वाली हैं और इनके उपासना के द्वारा हमें संतान की प्राप्ति होती है। जिन भक्तों के को संतान की समस्या है वह स्कंद माता का पूजन अवश्य करें। इनके पूजन के लिए आप प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में जाग करके और स्नान इत्यादि करके सुंदर एक चौकी पर माता रानी को विराजमान कर सुंदर कलश का पूजन करते हुए और माता रानी का सुंदर षोडशोपचार विधि से पूजन करें, जिसमें सुंदर जल से स्नान, पंचामृत स्नान, धूप दीप, गंधाक्षत पुष्प नैवेद्य के साथ पूजन आरती करना चाहिए और पूजन करते हुए माता रानी को सुंदर रिझाना चाहिए। हे माँ, आपके गोद में जैसे भगवान कार्तिकेय खेलते हैं, माँ हमारी भी गोद में आपकी ऐसी कृपा बने कि हमारे भी गोद में आपका बालक खेले। हम भी आपकी ऐसी उपासना करते हैं और माता रानी को केले का भोग लगाना चाहिए। एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि उस केले का भोग जो लगाएं वह स्वयं ग्रहण नहीं करें, उस केले को ब्राह्मण को दान में देना चाहिए। दान देकर उस ब्राह्मण को यथा उचित दक्षिणा इत्यादि देकर के उस ब्राह्मण का सम्मान करते हुए ब्राह्मण को विदा करते हुए माँ का माँ स्कंद माता का पूजन करना चाहिए। और यह सुख शांति संपन्नता प्रदान करने वाली है, अत्यंत सहज, अत्यंत सुलभ और माँ अत्यंत दयामयी हैं, जो भक्तों की हर मनोकामना को पूरा करने वाली हैं। बहुत ही शीघ्रता के साथ यदि किसी को संतान सुख प्राप्त करना है तो उसे माँ स्कंद माता का पूजन करना चाहिए और 5वें दिवस पर एक कन्या का पूजन स्कंद माता के स्वरूप में करना चाहिए और उस कन्या को सुंदर केले को भोग लगा करके और उस कन्या को चूनर उड़ाइए। चूनर उड़ा करके सुंदर उस कन्या का श्रृंगार करें और श्रृंगार करते हुए उस कन्या से को दक्षिणा दें और प्रार्थना करें, हे माँ, हमारे घर में सुख शांति संतति संपत्ति का आपकी कृपा से हमारे घर में वास हो, ऐसी माता रानी से प्रार्थना करते हुए और संध्या के काल में माता रानी की पूजन करने का एक विशेष विधान है। तो संध्या के समय में माता रानी का जिनसे हो सके तो एक बहुत सूक्ष्म मंत्र है, ओम स्कंद मात्रे नमः। इस मंत्र का ज्यादा से ज्यादा जप करें, जिससे हमारे यहाँ आने वाले समस्त कष्ट भी दूर होते हैं और व्यापार इत्यादि में भी हमें तरक्की मिलती है, संतप्ति की प्राप्ति होती ही होती है। जय श्री राम।